माई चैनल। सो इस साल मैंने ट्राई किया है माँ दुर्गा का मेकअप लुक एंड हेयर इज माई ट्यूटोरियल। सो जितना मुझसे हो पाया मैं उतना करने की मैंने प्रॉपर कोशिश किया है कि सही से पूरा लुक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी। इस टाइप की मेकअप लुक मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना एंड कमेंट में बताना कि लुक कैसा बना है। फर्स्ट मैंने यूज़ किया है शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर। फुल फेस पे मैंने पहले इसे अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा शाइनी शाइनी ग्लोई बेस चाहिए था मुझे। सबसे पहले मैं करूँगी अपना आई मेकअप। तो फर्स्ट मैंने कंसीलर लगा लिया है दोनों आईलिड के ऊपर एंड उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, और थोड़ा सा कवरेज वाला कंसीलर ही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने लगाया है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का कॉम्पैक्ट पाउडर। नाउ मैं लगाऊंगी प्राइमर, और मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जो बेस है ना वो मुझे थोड़ा सा ग्लोई चाहिए, नॉट प्रॉपर मैट। ओके, और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा प्राइमर ज़्यादा लगा लिया था, मतलब आपको एक से दो ड्रॉप ही यूज़ करना होता है, बट पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था तो मैंने ज़्यादा अमाउंट ले लिया। जब मैं ब्लेंड कर रही थी ना फेस पे, मतलब मैं हाथों से ही कर रही थी, तब मुझे पता चला यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से मसाज करके पूरा स्किन के साथ मैंने एडजस्ट कर दिया उसे। फाउंडेशन के लिए मैंने शुगर का स्टिक फाउंडेशन और इलीगल प्रो का कंसीलर दोनों को मिक्स मैच करके यूज़ किया है। जैसे कि मेरी नोज़ एरिया पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हो गया है, तो मैंने वो थिक कंसीलर को पहले सिर्फ नोज़ एरिया पे लगा लिया है, जैसे कि अंडर आई और नोज़ के दोनों साइड पे, और बाकी के जो एरिया है जैसे कि फोरहेड पे, गाल पे, चिन पे, मैंने शुगर का स्टिक फाउंडेशन लगा लिया है एंड दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। इससे क्या होगा, अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है या फिर आपको कलर करेक्टर लगाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आप जो बेस है ना फ्लॉलेस चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा जो दाग धब्बा छुप जाए, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा मेथड है। फिर उसी सेम कंसीलर को मैंने अंडर आई पे और चिन पे थोड़ा सा नोज़ के ऊपर लगा दिया है। हाइलाइटिंग इफेक्ट भी मिलेगा, और मुझे लग रहा था कि डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो थोड़ा सा और इसे छुपाना पड़ेगा इसलिए। उसके बाद फुल फेस को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ का लूज पाउडर, और ये बहुत अच्छा पाउडर है, मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये ना बिल्कुल भी क्रीज नहीं पड़ने देता है अंडर आई पे, और बहुत ही ज़्यादा एकदम मैट फिनिशिंग देता है और सेट कर देता है बेस को। तो मैंने सबसे पहले एक रेड आई शेडो लिया है और अपनी आई शेप की अकॉर्डिंग एक हल्का सा लाइन ड्रॉ किया है क्रीज पे, और जो लाइन मैंने बनाया है ना वो मैंने आईब्रो से थोड़ा सा लंबा रखा। फिर मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसको उसी लाइन के ऊपर से मैंने धीरे धीरे ब्लेंड करके पूरा लाइन को मैंने मिक्स कर दिया, ताकि जो हार्शनेस होती ना लाइन की वो ना दिखे, पूरा एकदम शेडो टाइप का क्रिएट हो जाए। फिर मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को लेके मैंने फुल कट क्रीज कर दिया। अभी भी मैंने फुल कट क्रीज आई मेकअप एक भी नहीं किया है, मैंने कभी भी ट्राई भी नहीं किया है। इससे पहले मैंने हाफ कट क्रीज किया है, लेकिन फुल कट क्रीज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और वो भी कैमरे के सामने, तो हाथ तो मेरा बहुत काँप रहा था। फिर भी मैंने धीरे धीरे करने की कोशिश किया है जितना मुझसे हो पाया। फिर कट क्रीज करने के बाद उसके ऊपर मैंने येल्लो आई शेडो अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट मैंने रेड आई शेडो लेके लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है, और आउटर साइड पे मैंने ज़्यादा लगाया है, इनर कॉर्नर पे मैंने उतना नहीं लगाया है। उसके बाद माइग्लैम का कोल काजल लेके मैंने एक पतला सा लाइन ड्रॉ किया है लोअर लैश लाइन पे। फिर ब्लैक आई शेडो की हेल्प से मैंने स्मज कर दिया, ताकि एकदम स्मोक की एक शेडो सा क्रिएट हो जाए। और कभी भी अगर आप काजल को स्मज करोगे ना, तो ब्लैक आई शेडो की हेल्प से ही करना, उसमें ना जो लुक ना एकदम परफेक्ट आता है और काजल ना बिल्कुल भी फैलता नहीं है। ओके, फिर उसके बाद मैंने लाइनर यूज़ किया है मामा अर्थ का। इसका टिप ना बहुत ज़्यादा शार्प है, एकदम पतला सा है, और जो लाइनर मैंने ड्रॉ किया है, मतलब अगर आप इस तरीके का लुक करोगे ना, तो लाइनर आपको जो विंग है ना वो थोड़ा सा लंबा रखना होगा, ताकि जो आँखें ना, मतलब आईज थोड़ा सा बड़ा दिखे। स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड लेके मैंने अपना आईब्रो फिल कर लिया, और मेरा आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक है इसलिए मैं उतना कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मैं जस्ट जो शेप है ना उसको मैं सही कर लेती हूँ बस। इस मेकअप पे मुझे अपना बेस येलो चाहिए था, लेकिन मेरे पास फेस पेंट नहीं है फिलहाल, तो इसीलिए पहले मैंने फाउंडेशन लगाया है, जो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा, मतलब मेरी स्किन टोन से एक टोन ऊपर का लगाया है, ताकि पूरा सा वाइट हो जाए। उसके ऊपर मैंने अभी येलो आई शेडो यूज़ किया है। जितने सारे हाइलाइटिंग वाली एरिया है, जैसे कि फोरहेड पे, अंडर आई पे, चिन पे, क्योंकि जो साउथ इंडियन मूवी में देवी को दिखाई जाती है ना येलो फेस होता है उनका, कुछ उस टाइप का मुझे करना था, तो जुगाड़ी वाली स्टाइल में मैंने किया है।
ओके तो आई शेडो लगाने के बाद मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से पूरा उसे ब्लेंड कर दिया ताकि प्रॉपर एकदम एडजस्ट हो जाए, वरना एक तो पाउडर है तो कुछ जगह ज़्यादा येलो दिखेगा, कुछ जगह कम येलो दिखेगा, इसलिए मैंने उसे स्मज कर दिया। उसके बाद मैंने जो कंटूरिंग वाली एरिया होती है फोरहेड पे, उस पर मैंने रेड आई शेडो यूज़ किया है। मतलब जितने सारे फेस पे जो हमारा शेडो वाली एरिया है ना, पूरा मैंने रेड आई शेडो ही यूज़ किया है। मतलब फुल फेस की कॉम्बिनेशन मैंने रेड और येलो में रखा है। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई मैजिक का ब्लश पैलेट, और उसी पैलेट से मतलब जो मैंने ब्लश के लिए कलर यूज़ किया है उसी से मैंने अपना नोज़ कंटूरिंग किया है, और आप चाहे तो रेड आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ना मुझे लग रहा था ये जो येलो बेस मैंने क्रिएट करने की कोशिश किया है वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था, मतलब और थोड़ा सा येलो होता तो ज़्यादा बेटर दिखता, तो इसलिए मैंने ना फिर से उसके ऊपर येलो आई शेडो लगा दिया है और थोड़ा सा ब्लश को मैंने और ज़्यादा लगा दिया है ताकि थोड़ा एडजस्ट हो जाए। उसके बाद मैंने अपनी नेक पे भी फाउंडेशन लगा लिया है, और मैंने यहाँ पे भी शुगर का स्टिक फाउंडेशन ही यूज़ किया है। फिर नीचे की साइड पे यानी कि जिस जहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं ना डबल चिन को हाइड करने के लिए, जब फेस का जो शेप होता है वहाँ पे भी मैंने रेड ब्लश लगा दिया है, ठीक है। तो फेस का तो मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, अभी जितना सारा बचा कुछ काम है उसी को करना था। तो मतलब आईज़ में जो आँखों में अभी मस्कारा काजल ये सब कुछ लगाना था, तो उसके बाद मैंने मस्कारा के लिए यूज़ किया है मामाअर्थ का मस्कारा, एंड ये मेरा करंट फेवरेट है। मतलब एक दो वीडियो को छोड़ के अभी रिसेंट में सारे वीडियो में इसी को यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बन गया है अभी के लिए, ओके। तो मस्कारा लगाने के बाद मैंने लिया है माई ग्लैम का कोल काजल, एंड वाटर लाइन पे मैंने काजल लगा लिया। पहले मैंने काजल को सिर्फ लोअर लैश लाइन पे स्मज कर दिया था, लेकिन वाटर लाइन पे लगाया नहीं था, तो अभी मैंने काजल को अप्लाई कर लिया। और लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है प्लम का लिक्विड लिपस्टिक, एंड शेड प्रॉपर रेड है। फेस मेकअप तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो अभी मैं अपनी जो तीसरी आँख यानी कि त्रिनेत्र वो बनाने वाली हूँ। तो कैसे मैंने किया है वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो उतना अच्छा बना नहीं है मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। तो कैसे क्या किया, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, एक आई शेडो लिया है ब्लैक आई शेडो से एक हल्का सा आँखों की शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्योंकि अगर इधर से उधर हो जाएगा ना तो पूरा फेस का मेकअप एकदम बिगड़ जाएगा, तो बहुत ध्यान से आपको ये स्टेप करना है। उसके बाद चाहे तो आप डायरेक्ट लाइनर से कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, आई शेडो से शेप करने के बाद काजल लिया था माई ग्लैम का ब्लैक काजल, उसको लेके पहले मैंने बाहर का जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लिया। काजल से लाइन ड्रॉ करने के बाद भी ना पूरा एकदम डीप ब्लैक नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा एकदम फीका फीका लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, लाइनर से फिर से उसके ऊपर से मैंने और एक लाइन बना दिया, फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा मुझे डीप ब्लैक जो बॉर्डर होता है आँखों का वो लगा, ठीक है। तो लाइनर से आप चाहे तो पहले लाइनर से ही कर सकते हो, मुझे लगा काजल से हो जाएगा तो इसलिए फर्स्ट मैंने काजल ही लगाया था, बट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ना अंदर मुझे वाइट कलर करना था, उसके लिए मुझे चाहिए था वाइट फैब्रिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहाँ रखा था, मैंने पूरा ढूंढ लिया, मुझे मिल नहीं रहा था। तो इसके मतलब कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़ू स्टाइल में। तो मैंने क्या किया, एक वाइट काजल लेके अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने अंदर वाइट करने की बहुत कोशिश की है। एक तो फाउंडेशन लगा हुआ है उसके ऊपर आई शेडो येलो, तो वो जो प्रॉपर वाइटनेस ना वो पूरा खिल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा ग्रे ग्रे हो गया, लेकिन स्टिल काम चल गया। फिर मैंने क्या किया, उसी सेम लाइनर से मतलब मामाअर्थ की लाइनर ही मैंने यूज़ किया है आज फुल वीडियो में। तो लाइनर से मैंने अंदर में जो राउंड शेप में जो आँखों की मणि होती है उसको ड्रॉ किया। फिर वाइट लाइनर ग्लिटर लाइनर से मैंने उस मणि के अंदर छोटा सा एक लाइन बना दिया ताकि थोड़ा सा ना जो आँखें वो थोड़ा सा रियल दिखे। फिर ब्लैक एक पतला सा मैंने फ्लैट ब्रश लिया, उसमें मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है। फिर साइड से मैंने ऐसे स्मज करके एक शेडो सा क्रिएट कर दिया है, जो हमारी जो आँखों की लैशेस होती है ना कुछ उस टाइप का, मैंने लाइनर से नहीं किया है, सब कुछ मैंने वो ब्लैक आई शेडो से ही किया है। फिर लैक्मे की ग्लिटर लाइनर से ही मैंने बिंदी और आँखों के बीच में एक अर्धचंद्र बनाया है। तो आप जब ये बनाओगे ना त्रिनेत्र, तो सबसे पहले आप बिंदी लगा के ही पूरा प्रोसेस करना मेरे जैसा, वरना क्या होगा, अगर आँख अपने पहले बना लिया तो बिंदी लगाने की जगह नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तो पहले आप सेट कर लेना, ओके। तो यहाँ पे तो मेरी तीसरी आँख बन गई। फिर मैंने लैशेस के लिए यूज़ किया है आई मैजिक की लैशेस, और वो मैंने ऑफ कैमरा ही लगाया है क्योंकि मेरे पूरे आँखों में पानी आ जाता है, मुझे लैशेस लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर मैंने फुल फेस पे थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया है, शुगर का हाईलाइटर पैलेट यूज़ किया है मैंने।
लास्ट में मैंने अपनी बालों में जितने सारे छोटे छोटे ब्रेड बना के रखी थी ना, वो सारे मैंने खोल दिया और मतलब बिना क्रीम पड़ के हेडलेस कर्ल इतना अच्छा बना था ना। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था, पूरा ओवरनाइट नहीं मतलब ओवरनाइट भी रखा था और नेक्स्ट डे मैंने हाफ डे पूरा उसे रखा था। और बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन से मैंने सारे बनाए थे फ्रंट साइड पे, और बैक में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही बना दिया था क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। तो अगर आप ऐसे हिटलेस कर्ल करना चाहते हो तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, बहुत अमेजिंग बना था। और फिर मैंने ना उसको खोलने के बाद कॉम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने एक साथ पकड़ के उसको थोड़ा सा पुश करके एक पिन लगा दिया, बस इतना ही। तो उससे ना जो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा बना था। उसके बाद मैंने रेड आई शेडो लेके अपना मांग भर दिया, क्योंकि देखो माँ दुर्गा का लुक कर रही हूँ तो सिंदूर तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंदूर मैंने रेड आई शेडो ही यूज़ किया है बस।